वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ स्किल्ड यूथ गुरुकुल। डियर एसवाईजियंस, ये क्लास जो है वो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के अंदर जो कोर्सेज हैं उनमें जो एडमिशन्स हैं सत्र 2022-23 के, उनकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होने वाली है। तो यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित है फॉर द सेशन 2022 से 2023 तक, 2022 से 2023 तक। अभी इस यूनिवर्सिटी के पास में अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग नहीं है, तो जो कोर्सेज हैं वो बेसिकली खासा कोठी अकादमिक परिसर MI रोड जयपुर में संचालित होंगे। इसके जो कोर्सेज हैं हम उनके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो जो कोर्स है वो बेसिकली 3 वर्षीय ग्रेजुएशन, जिसे आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कहते हो, जो कि रेगुलर कोर्स है, से रिलेटेड होने वाला है। और ये जो डिग्री होगी वो BA JMC या BJMC भी जिसे आप कहते हो वो रहने वाली है। ये 3 साल की डिग्री होगी जो कि इक्विवेलेंट टू बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ आर्ट्स के होती है। नेक्स्ट कोर्स जो है वो 2 वर्षीय स्नातकोत्तर, मतलब 2 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, जो कि मास्टर्स की डिग्री प्रोवाइड करवाता है, वो रहने वाला है। मोड रेगुलर होगा, इसमें जो डिग्रीज होंगी वो MA JMC प्रिंट मीडिया स्पेशलाइजेशन, MA JMC इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशलाइजेशन, MA JMC मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस या पब्लिक कम्युनिकेशन जनसंपर्क जो है वो 3rd डिग्री है। इसका जो नेक्स्ट कोर्स है मास्टर का वो MA JMC सोशल मीडिया और ऑनलाइन, या फिर MJMC वेब पत्रकारिता। नेक्स्ट कोर्स जो MA का है वो है MA JMC विकास संचार सामाजिक कार्य और NGO। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्सेज हैं वो बेसिकली 1 ईयर PG डिप्लोमा कोर्सेज होने वाले हैं, जो कि SFS स्कीम पर होते हैं। ये जो कोर्सेज हैं 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज, इनमें 3 कोर्सेज हैं, PG डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, PG डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, PG डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये 3 कोर्सेज जो है वो 1 ईयर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम पर बेस्ड डिप्लोमा कोर्सेज हैं। नेक्स्ट कोर्स जो है वो बेसिकली 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, जो कि SFS है। ये है डिप्लोमा इन ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्सेज हैं वो 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, मतलब इसमें 6 महीने में आपका कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा। और ये भी SFS हैं, स्ववित्त पोषित हैं। इनमें जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बेसिकली व्यावहारिक हिंदी में सर्टिफिकेट, नेक्स्ट है फंक्शनल इंग्लिश में सर्टिफिकेट, नेक्स्ट है वीडियो एडिटिंग में सर्टिफिकेट, नेक्स्ट है विकास संचार में सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की, कि आप किन क्वालिफिकेशन या प्रीवियस एजुकेशन के बेसिस पर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जो 3 साल वाला BA JMC, जिसे BJMC कोर्स भी कहते हैं, या फिर डिप्लोमा हुआ, उसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्स है, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो प्रीवियस साल 12वीं पास होना आवश्यक है। उसके बाद अगर हम MA प्रोग्राम्स, जो कि JMC के प्रोग्राम्स हैं, या फिर PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, उनकी बारे में डिस्कशन करें, तो MA JMC और PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आपका किसी भी स्ट्रीम के अंदर विषय में ग्रेजुएशन, जिसे UG आप कहते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है 3 साल वाला, वो कंप्लीट होना ज़रूरी है। मतलब आप चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, आप इन कोर्सेज में जो कि MA JMC के कोर्स हैं या PG डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनको परशू या अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो प्रोसीजर है एडमिशन का वो देख लेते हैं। तो बेसिकली जो कैंडिडेट है उसको यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है hju.ac.in/admissions.html पर ऑनलाइन आवेदन करना है। ये वेबसाइट्स और जो और भी इसकी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एप्लीकेशंस जो हैं ऑनलाइन एडमिशन की, वो 27 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं। एडमिशन की लास्ट डेट 18 जुलाई 2022 है। तो आपके लिए गाइडलाइंस यही है कि आप बिना लास्ट डेट का वेट किए हुए इस के लिए अप्लाई कर दें। और दूसरी चीज़, इन केस फ्यूचर में डेट बढ़ती है एडमिशन्स की, तो वो भी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है, अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता की परीक्षा में बैठ रहे या परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थी भी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप
फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, जो भी 12वीं क्लास हुई या ग्रेजुएशन हुई, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम प्रवेश और परीक्षा परिणाम जो है, एडमिशन जो है वो बेसिकली परीक्षा परिणाम और मेरिट पर बेस्ड होगा। मतलब आपका जो एडमिशन है वो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, अगर आपने 12वीं के बेसिस पे अप्लाई किया है तो उसके बेसिस पे, और ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर आपका जो मेरिट है वो परसेंटेज के ऊपर बेस्ड होगा। और जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं, फीस हैं और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगी। इन केस अगर डेट्स में या एजुकेशन के प्रॉस्पेक्टस में या फिर शिक्षण की पद्धति में कोई संशोधन या अपडेट होता है तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। और आप चाहें तो एडमिशन लेने के लिए जो नीचे मोबाइल नंबर्स संपर्क के लिए दिए गए हुए हैं उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर्स हैं 800-3600-3840, नेक्स्ट है 9993591499, नेक्स्ट है 7568334108, नेक्स्ट है 8003300450, नेक्स्ट है 8079051063। बेसिकली जर्नलिज्म के ये जो कोर्सेज होते हैं बहुत ही यूनिक और अच्छे कोर्सेज माने जाते हैं, और इनमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होती है। आप इस कोर्स को करके किसी भी मीडिया हाउस में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, या अपना इंडिपेंडेंट चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं न्यूज़ का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर।